स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स। आज हम आपको मेरी हिंदी व्याकरण और रचना से आपको दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। दूसरा पाठ आपका है वर्ण विचार। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में भाषा के रूपों के बारे में पढ़ा है, जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है वैसे वैसे केवल मौखिक भाषा से काम चलना कठिन होता गया। अतः मनुष्य ने अपने मौखिक विचार को लिखित रूप देने के बारे में सोचा। तो इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है। तो पहला है आपका वर्ण के बारे में। तो लिखित भाषा की ध्वनियों के चिन्हों की आवश्यकता हुई, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो लिखित भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की, जिन साइन जो होते हैं उनकी आवश्यकता हुई, उन्हें क्या कहा गया? वर्ण। तो ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। शब्दों को तोड़कर वर्णों का पता लगाया जा सकता है। जब हम किसी शब्द को अलग अलग कर लिखते हैं तो उससे हम उस शब्द के वर्णों का पता लगा सकते हैं। आपको नीचे एग्जांपल दे रखा है पुस्तक और निर्मला का। तो इस ऊपर के जो शब्द दे रखे हैं इनमें खंडों के टुकड़े करना संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई होता है। भाषा की जो लघुतम इकाई है वो क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। जब कई वर्णों को एक साथ लिखा जाता है तो एक शब्द बनता है। फिर आपका है वर्णमाला। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वर्ण जमा में माला, तो वर्णों की माला। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है उन सभी को मिलाकर वर्णमाला बनती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, वो कहलाते हैं स्वर। नीचे आपके स्वर दे रखे हैं। फिर दूसरा आपका व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो, जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे कहलाते हैं व्यंजन। वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है और 35 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त आपके चार संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। व्यंजनों के बारे में हम जानते हैं, जैसे ड और ढ हिंदी में विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं आते। इसी तरह ज और फ विदेशी ध्वनियाँ हैं जो अब हिंदी में भी आ गई हैं। फिर हम देखते हैं कि वर्णमाला में शामिल जो स्वर और व्यंजनों के बारे में और उनकी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले है स्वर। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उसके बाद होते हैं स्वरों के कितने भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। फिर मात्राएं, जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उसकी मात्रा लगती है। मात्रा स्वर का वह रूप होता है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। यहाँ आपकी मात्राएं दिखाई गई हैं, अ से लेकर औ तक की मात्राएं, और उनका प्रयोग आपको इस टेबल में समझाया गया है। नीचे आप देख सकते हैं, आपको टेबल बनाकर दिखाई गई है, स्वर मात्रा शब्द और वर्ण क्रम। उसके बाद है कुछ इस चिन्ह को, जैसा आपने नीचे चिन्ह दिखा रखा है एक लाइन सी दे गई, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? हलन। जब स्वर रहित व्यंजन, जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं इस्तेमाल किया जाता तो उसके नीचे एक लाइन लगाई दी जाती है जिसको कहा जाता है हलन। फिर आपका अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे लिखने के लिए वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। फिर अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख या नासिका दोनों से निकले तो उसे लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी का चिन्ह लगाया जाता है। इस बिंदी को क्या कहा जाता है? चंद्रबिंदी, और यही अनुनासिक कहलाता है। उसके बाद आपका आता है विसर्ग। इस ध्वनि का चिन्ह होता है ह के समान होता है। जब इसका चिन्ह हम लगाते हैं तो इसको जब बोला जाता है तो ह में उसकी आवाज़ आती है। इसके बाद है उ या ऋषि की मात्राएं। नीचे आपको र से ऋषि और छोटा उ या बड़े उ की मात्राएं दिखाई गई है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब है आपका व्यंजनों के भेद। आप यह तो जानते होंगे कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है, इसके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। इसमें ही आपके भेद में एक आता है स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों के भेद में क्या है? स्पर्श व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा, मतलब आपकी जीभ मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब होता है छूना। इनके पांच वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्थानों के अनुसार इनके वर्ग भी इस प्रकार हैं।
वर्ग हैं इनके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का है मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। इसके बाद आपका आता है ऊष्मा व्यंजन। इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। इसमें ऊष्मा या गर्मी सी उत्पन्न होती है। ये चार होते हैं जैसे श, स, स और ह। अब व्यंजनों के अन्य रूप के बारे में देखते हैं। व्यंजनों के अन्य रूप में आपका आता है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है, उसी के जैसे दूसरी ध्वनि से जुड़ती है, तो वह कहलाता है द्वित्व व्यंजन। फिर आप उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। हिंदी में जो व्यंजन आपके होते हैं वो चार विशेष रूप से होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र पैरों में लगता है। यहाँ आपका र का प्रयोग दिखाया गया है कि र का कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जब र में कोई स्वर नहीं होता तो अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं। ट या ड के साथ अगर र का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको हम उसके पैरों में लगाते हैं। अब है आपका अशुद्धि शोधन। तो बच्चों कई बार हम लिखते समय कई मात्राओं या वर्णों की अशुद्धियाँ कर जाते हैं। यहाँ कुछ सामान्य रूप से की जाने वाली अशुद्धियाँ को ध्यान दिलाया जा रहा है, इसको आप देखें और समझें। कुछ अशुद्धियाँ आपको यहाँ दिखाई गई हैं, जैसे ई और ई की मात्राओं की अशुद्धियाँ हो जाती हैं, हमारे से ऊ ऊ की मात्रा की अशुद्धि हो जाती है, अ आ की अशुद्धियाँ हैं, र और र की अशुद्धियाँ हैं, न ण और फिर है विसर्ग की अशुद्धियाँ, ओ औ की अशुद्धि, र की अशुद्धियाँ, छ और श की अशुद्धियाँ, य झ की अशुद्धि, ए की अशुद्धियाँ, अनुस्वार अनुनासिक की अशुद्धियाँ, व या ब की अशुद्धियाँ। जिस तरह से कई बार हम वन को बन बोल देते हैं लेकिन उसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है वन। स और श की अशुद्धियाँ, व्यंजन गुच्छों की अशुद्धियाँ होती हैं। और कुछ अन्य अशुद्धियाँ आपको इस टेबल में दिखाई गई हैं जो मात्राओं की गलतियाँ हो जाती हैं हमसे बोलते समय या लिखते समय, तो उनका शुद्ध रूप क्या होता है वो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आपका आता है वर्णविच्छेद। किसी भी शब्द को खोलकर लिखना पूरी तरह से, उसको अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्णविच्छेद। स्वर और व्यंजन को अलग करके, शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को क्या कहते हैं? वर्णविच्छेद। इसके कुछ उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं, जिस तरह से कलम, कुसुम, सत्य, उत्थान, कोयल, कृपा, न्याय, स्वागत। तो ये आपका पाठ था। आशा करते हैं कि आपको समझ आएगा, आपको इसका अभ्यास बताते हैं। दूसरा प्रश्न आपका इसमें अभ्यास में है कि रिक्त स्थान दे रखे हैं उनकी पूर्ति आपको उचित शब्द के साथ करनी है। वर्ण भाषा की कौन सी इकाई होती है? लघुतम। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों के दो भेद होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। तीसरा प्रश्न आपका संयुक्ताक्षर से दो दो शब्द बनाने हैं। आपको श, त्र, ज्ञ और श, इनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। फिर आपका द्वितीय व्यंजनों की सहायता से दो दो शब्द बनाने हैं। पांचवा प्रश्न है वर्ण विच्छेद करना है। शब्दों को, वर्णों को खोलकर लिखना है पूरी तरह से, जिस तरह से आपको अभी समझाया गया था। छठा प्रश्न आपका है शब्द को मिलाकर। अब वर्णों को उसने अलग करके बताया तो हमें वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना है। सातवां प्रश्न है आपको शब्दों के जो शुद्ध रूप हैं आपको वो लिखने हैं। आठवां प्रश्न आपका, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें स्वर और व्यंजन एक साथ है लेकिन अब आपको स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। आपका प्रश्न है सही विकल्प पर निशान लगाना। तो आप बताएंगे भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वर्ण। वर्णों के किस समूह को वर्णमाला कहते हैं? बिखरे हुए समूह को या व्यवस्थित समूह को? व्यवस्थित समूह को। स्वर कैसे उच्चारित किए जाते हैं? किसी की सहायता से। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। श कैसा व्यंजन है? श है संयुक्त व्यंजन। श जो आपका है वो श र से मिलकर बना है तो वो संयुक्त व्यंजन है। आप सर जो भी आपको पढ़ाया गया है और कार्य बताया गया है वो सभी आप अपनी कॉपियों में करेंगे।